हजरत अली अकबर करबला के मैदान में, जहां एक तरफ 9 लाख का यजीदी लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ अकेला हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। हजरत अली अकबर ने उन 9 लाख सिपाहियों से तो मुकाबला किया, लेकिन उस लश्कर में 6 पहलवान ऐसे भी मौजूद थे जो कि एक पहलवान 1000 फौज की ताकत रखता था और अरब के बड़े बड़े बहादुरों में शामिल थे। वो उमर इब्ने साद के कहने पर हजरत अली अकबर के मुकाबले में आए। हजरत अली अकबर ने उन सभी फौज के साथ मुकाबला किया और उन 6 पहलवानों को भी वासले जहन्नम कर दिया। लेकिन कैसे? हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कितने कितने सिपाही और कितनी कितनी बार आए थे और आपके हाथों कितने दुश्मन वासले जहन्नम हुए, ये पूरा वाक्या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तमाम असहाब और अंसारे बावफा की शहादत के बाद बनी हाशिम की बारी आई। उनके मैदान में जाने से पहले खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाने के लिए आमादा हो गए तो उन नौजवानों ने इमाम आली मकाम के गिर्द घेरा डाल दिया और हजरत के पाँव पर अपने पाँव को गिरा दिया और अर्ज किया, आपके कदमों की खाक पर कुर्बान हो जाएं, जब तक हम में से एक भी जिंदा होगा आपको मैदान में नहीं जाने देंगे। उन तमाम जवानों में से सबसे ज्यादा दुखी दिल थे और इमाम की गुर्बत पर तड़प रहे थे वो आपके रशीद जवान दिलेर फर्जंद हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपना सर बाबा के कदमों पर रखा और अर्ज किया, ए मेरे मजलूम बाबा, अल्लाह मुझे लुकता भी आपके बाद जिंदा ना रखे। आप 1 घंटा सबर करें, अपनी जंग को मौकिर करें ताकि मैं आप पर जान कुर्बान कर लूं, फिर आपकी जो मर्जी हो वही करना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में बेटे की बात सुनी तो रंग तब्दील हो गया और तबीयत मुरझा गई। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के सर को कदमों से उठाया और अपने सीने से लगाया और पाक खूबसूरत चेहरे पर बोसे दिए और क्रिया करते हुए फरमाया, अली बेटे क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा अब जिंदा रहना मेरे लिए हराम होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे को फिर सीने से लगाया और बोसा दिया। फिर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने शदीद इसरार के साथ जिहाद करने का अजान चाहा, यानी जब अजान जिहाद लेने में बहुत मुबालगा किया और शदीद जज़े की जबकि वो प्यासे भी थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त हैरत ज़दा थे। जब इजाज़त मिल गई तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम बहुत खुश और मुतमईन हुए और मैदान जाने की तैयारी की। जब इमाम ने बेटे को जंग की तैयारी करते देखा तो अपने अजीज को पास बुलाया और खुद अपने हाथों से जंग का लिबास पहनाया, यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद दिलबंद के जिस्म मतहर पर जंग का असलाह पहनाया। जरह पहनाई, कमर बंद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कमर पर बांधा, सर पर एक फौलादी खुद रखा, मिस्री तलवार दी और बर्क रफ्तार अकाब पर सवार किया। अब फरमाया कि बेटा जाओ और अहले हरम से अलविदा करके आओ। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम रोती आंखों से कयाम में आए और आवाज दी। अहले बैत ने जूं ही हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना और सितारों की तरह अपने कयाम के बुर्ज से निकले और जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम के रुखसारों की शमा के गिर्द परवानों की तरह जमा हो गए। फिर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंग की तैयारी देखकर कयाम से रोने की आवाजें बुलंद हुई। पुफियां, बहनें, सब छोटे बड़े ज्यारत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठे हो गए और जनाबे अली अकबर के घोड़े के इर्द गिर्द हो गए। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को तसल्लियां देकर अलविदा कहा और मैदान की तरफ आए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल के जवान थे और चेहरा आफताबी हल्क और खुल्क में शबीए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप मैदान में आए तो उनके रुखसारों की शमा से मैदान जंग मुनवर हो गया और इब्ने साद का लश्कर जमाल अकबर अलैहिस्सलाम देखकर इस कदर हैरान हुआ कि इब्ने साद मलऊन से सिपाही पूछने लगे कि ए जालिम, तू हमें ऐसे खूबसूरत जवान के लिए जंग के लिए लाया है? जब उमर साद ने देखा कि शहजादा अकाब के घोड़े पर सवार है तो कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है जो शक्ल सूरत में शबीह पैगंबर है। रिवायत में है कि जब अहले मदीना को जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत का शौक गालिब आ जाता तो आप जनाबे अली अकबर के चेहरे की ज्यारत करते और जब रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े कलाम को सुनने का शौक मजबूर करता तो शहजादा अली अकबर का कलाम और गुफ्तगू सुनते। इस पाकिज़ा शहजादे ने मैदान में घोड़े को जुलान दी और फिर ये रजस पढ़ा, मैं अली इब्ने अल हुसैन बिन अली हूँ और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकरबा हैं। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बड़ी शान से मैदान में आए और मुबारजा तलबी की, लेकिन कोई भी लश्कर से बाहर ना निकला। बार बार मुबारजा तलब करने के बावजूद कोई ना आया। फिर शहजादे ने खुद ही लश्कर पर हमला कर दिया
और मीमना व मिसरा और कल्ब लश्कर को ऐसा धर्म बरहम कर दिया कि दुश्मन के सिपाही आगे से भाग रहे थे और अलअमान अलअमान की आवाज़ें दे रहे थे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम वापस बाबा के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान मुझे प्यास ने मार दिया है और लोहे के इन हथियारों ने मुझे आजरदा कर दिया है। क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? अगर एक घूंट मिल जाए तो मैदान लश्कर से साफ कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे करीब आओ। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम करीब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे के लबों और मुंह से खाक साफ किया और हज़रत रसूल पाक की अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी ताकि चूसते रहें और तशनगी से तस्कीन मिल जाए। हज़रत अली अकबर दोबारा मैदान में आए और मुबारजत तलब किया। इबन साद ने तारक बिन शबस को भेजा कि जाओ और हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का काम तमाम कर दो ताकि इबन ज़ियाद से तुम्हें रक्का और मोसल की हुकूमत लेकर दूँ। तारिक ने कहा कि मुझे ये डर है कि मैं फर्जंदे रसूल को भी कत्ल कर दूं और तू अपना वादा भी पूरा ना करे। उमर साद ने कसम खाई कि वादा वफाई करूंगा और ये मेरी अंगूठी ले लो और जमानत के तौर पर रख लो। तारिक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया। रका और मोसल की हुकूमत की लालच में जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम से जंग करने आ गए। ये मुकम्मल असलाह से मुसलह था। उसने पहले नेजा से शहजादा अली अकबर पर वार किया। शहजादे ने उसके वार को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए अपना नेजा उसके सीने पर ऐसा नेजा मारा कि वो बालश्ते पुश्त मलऊं से बाहर निकल आया। तारक घोड़े से जमीन पर गिरा तो शहजादे ने अपने अकाब नामी घोड़े से उसे रौंद दिया जिससे उसके बदन के अजा टूट गए। फिर उसका बेटा उमर बिन तारक आया तो वो भी उसी अंदाज से बाप से मुलहक हो गया। फिर तारक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारक अपने बाप और भाई के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ लपका और शहजादे का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि आप घोड़े से गिर पड़े। लेकिन असदुल्लाह के फर्जंद का हाथ मलऊन की गर्दन में ऐसे आया कि उसकी गर्दन की रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और ज़हन से जमीन पर दे मारा। ये देख कर लश्कर में हाय हाय की आवाजें बुलंद हो गई और शहजादे की ताकत हैबत और शौकत के पेशे नज़र लश्कर कुफर के कदम उखड़ गए। उमर साद खौफ ज़दा हो गया और मिसरा बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ उस हाशमी नौजवान को शिकस्त दो। मिसरा मुकाबले में आया तो शहजादे ने नेजा से हमला किया और दादा अली अलैहिस्सलाम की तरह नारा बुलंद किया जिससे तमाम लश्कर खौफ ज़दा हो गया क्योंकि हज़रत अली अकबर को अपने बाबा और दादा से शुजात विरसे में मिली थी। मिसरा जान के खौफ से और शहजादे की हैबत से घबरा गया। शहजादे ने अपनी तलवार से उसके नेजे को काट दिया। जब मिसरा ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहजादे ने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसे वार किया कि ज़हन तक चीर दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। जब दोनों टुकड़े जमीन पर गिरे तो दुश्मनों के लश्कर से हाय हाय की आवाज़ें बुलंद हुई। उमर बिन साद ने मुहक्किम बिन तुफैल और इबन नौफल को बुलाया और हर एक को हजार हजार सिपाही देकर शहजादे के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। ये दोनों सरदार हजार का लश्कर लेकर आए और हमलावर हो गए। शहजादे ने उनका हमला भी रद्द कर दिया और फिर उन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर फरार होने पर मजबूर हो गया। शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने उनका ताकुब करते करते लश्कर तक जा पहुँचे। आप भूखे शेर की तरह उनको कत्ल करते रहे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की आवाज़ें आ रही थी। इसी शोरे गुल में जनाबे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुँची। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उठते और कभी बैठ जाते और फरमाते थे, अकबर तेरा बाबा तेरे जोर बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया था लेकिन शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के सामने जो आता वो बच कर ना जाता। उस हमले में शहजादे ने 180 मलऊनों को वासिले जहन्नम किया लेकिन जख्म ज्यादा लग चुके थे और पूरा जिस्म जख्मी हो गया था। चुनाचे जख्मों की कसरत प्यास की शिद्दत और जंग की हिद्दत से इस शेरे खुदा के हाथों की हरकत में ज़ौफ और कमजोरी आने लगी। एक मर्तबा फिर लश्कर से निकलकर बाबा की खिदमत में आए और अर्ज किया, बाबा प्यास ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। कुछ पानी मिलने की उम्मीद है कि पानी पीकर कुछ ताकत हासिल करूं और दुश्मनों से फिर जंग करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता फरमाया, बेटा मैं शर्मिंदा हूं कि तुझे इस हाल में पानी नहीं दे सकता। बस अपने बेटे को सीने से लगाया, अर्क आलूद चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे जिगर गोशे, ए मेरे मेवाए दिल, मेरे दिल की ठंडक और सुकून, थोड़ा सबर करो, आपको रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाम से सहराब करेंगे। इस बिशारत पर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला।
आप ताजा दम होकर फिर मैदान में आ गए और हमलावर हुए। यजीदी लश्कर ने हजरत अली अकबर पर एक साथ हमला कर दिया, जिससे हजरत को बहुत ज्यादा जख्म आ गए। उसके बावजूद एक कसीर गिरोह वासले जहन्नम किया। जब प्यास की शिद्दत ने हमला किया तो फिर बाबा के पास आए और पानी मांगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महज तसल्लियां दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बेटे पर शिद्दत प्यास के असर को देखा तो फरमाया, मेरे बेटे, तेरे बाप पर ये किस कदर गिरा है कि आप उसे बुलाएं और वो जवाब ना दें। आप उनसे फरियाद करते हैं और फरियाद रसी नहीं करते। बेटा, अपनी जबान बाहर निकालो। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी खुश्क जबान निकाली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अली अकबर की जबान को अपने मुँह में रख लिया कि शायद प्यास की कमी हो जाए, लेकिन प्यास की कमी ना हुई। फिर हजरत ने अंगूठी जनाबे हजरत अली अकबर के मुँह में रख ली, प्यास कम ना हुई। आखिरकार फरमाया, बेटा, तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी खत्म हो चुका है, अब जाओ और शाम से पहले अपने नाना से कोसर पर सहराब हो जाओ। जनाबे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम मायूस हुए और मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंगी कवायद के मुताबिक गरज कर हमले कर रहे थे और किस्तों की पुश्तें लगा रहे थे। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख हो गए थे। उसी दौरान में ऐसी जगह हमला करते हुए गुजरे जहाँ मुर्ता बिन मुनज़ खेमे गाह में खड़ा था। उसी मलऊन ने जहर आलूदा तलवार ऐसे जोर से सर पर मारी कि आबरू तक जख्म हो गया। अभी इस जख्म से आसूदा नहीं हुए थे, उसी मर्ता बिन मुनख्ज ने आतिश फिशा नेजा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसमान विलायत का ये चांद जैन पर संभल ना सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब लश्कर ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी तो भागते हुए करीब आ गए और शहजादे का मुहासरा कर लिया और तलवारों से आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मलऊन ने जहर आलूदा तीर शहजादे के हलक में मारा, जिससे शहजादे की तवानाइयां खत्म हो गईं। एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी ताकि घोड़ा कयाम की तरफ ले जाए। हर तरफ से लश्कर की कसरत थी और घोड़ा कयाम का रास्ता भटक गया था, बजाय कयाम की तरफ जाने के दुश्मनों के लश्कर में चला गया। जहाँ से घोड़ा गुजरता हर मलऊन तलवार का वार करता, बल्कि जिस मलऊन के हाथ में जो कुछ था वो मारता। यजीदी लश्कर ने इस कदर मारा कि उन्होंने शहजादे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जूं ही जनाबे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जैन से ज़मीन पर आए तो बाबा को पुकारा, बाबा मेरा सलाम, मुझे नाना ने सहराब कर दिया।